हेमंत बाबू को कहने आया हूँ, हेमंत बाबू आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। हेमंत बाबू आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। गांडे वालों मुझे बताओ, आप लोग जितने भी लोग हो वो सब किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, अंत तक देखा है? देखा है क्या? ईश्वर देखा है? अब एक कांग्रेस के एमपी के यहां से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उसको गिनने के लिए 27 मशीनें लाए, 27, और दिन रात गिनते रहे। मशीनें गर्म हो गई, नोटों की गड्डिया समाप्त नहीं हुई, समाप्त नहीं। ए हेमंत बाबू के दूसरे मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीए के यहां से 35 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 35 करोड़। झारखंड में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है? तो गांडे वालों सुनो, पहले चरण में जेएम का सुपड़ा साफ होगा, पहले चरण में ही तय हो गया है, पहले चरण में ही ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जाती है। भाइयों बहनों, मैं हेमंत बाबू को कहने आया हूं, हेमंत बाबू आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। गांडे वालों मुझे बताओ, आप लोग जितने भी लोग हो वो सब किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, अंत तक देखा है? देखा है क्या? ईश्वर देखा है? अब एक कांग्रेस के एमपी के यहां से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उसको गिनने के लिए 27 मशीनें लाए, 27, और दिन रात गिनते रहे। मशीनें गर्म हो गई, नोटों की गड्डिया समाप्त नहीं हुई, समाप्त नहीं। ए हेमंत बाबू के दूसरे मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीए के यहां से 35 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 35 करोड़। भाई इतने सारे युवा खड़े हैं, मुझे बताओ ये पैसा किसका है? जरा जोर से बोलो, किसका है? हेमंत जी का है क्या? कल्पना सोरेन जी का है क्या? तो किसका है? झारखंड वालों, मेरे युवा मित्रों, मेरी माताओं बहनों, ये पाई पाई झारखंड की गरीब जनता की है, गरीब जनता, जिसको ये हेमंत सोरेन लूट खसेट कर अपने और कांग्रेस के नेताओं में बांटे हैं। आज गांडे की ये भूमि पर मैं वादा कर जाता हूं, इन्होंने लूटा हुआ एक एक रुपया मैं झारखंड की तिजोरी में जमा कराऊंगा। भाइयों बहनों झारखंड, और ये जिन्होंने भी लूट खसोट करी है वो ऐसा न माने,
कि अब कुछ नहीं होगा, हम SIT बनाकर हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले हैं जेल की सलाख। भाइयों बहनों, ये झारखंड के लिए ढेर सारा संघर्ष हुआ, सैकड़ों युवा बलिदान हुए, कई लोगों ने पूरा जीवन समर्पित किया और वो झारखंड की रचना करने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और जो झारखंड की रचना को रोकते थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ आज हेमंत बाबू सत्ता की लालच में वो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। मगर मैं कहकर जाता हूं, हम झारखंड बनाने से नहीं अटकेंगे। मोदी जी झारखंड को सवारने का काम भी करेंगे, झारखंड को सवारने का काम। भाइयों बहनों, 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस और JMM की सरकार रही। आप मुझे बताओ, कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कितना रुपया दिया? मैं 10 दिन से पूछ रहा हूं, हेमंत बाबू जवाब नहीं देते हैं। मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, जवाब लेकर आया हूं, हिसाब लेकर आया हूं। जानना है क्या? देखो, 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने 84,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 84,000। कितना? जोर से बोलो, कितना? और 84,000 करोड़ के सामने मोदी जी ने 3,90,000 करोड़ रुपया झारखंड को दिया। गांडे वालों, ये 3,90,000 करोड़ रुपया आपके गांव में आया है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, आया है क्या? कहां गया? जरा बोलो कहां गया? ए हेमंत सोरेन एंड कंपनी 3,90,000 करोड़ रुपया चाऊ कर गई है, चाऊ कर गई है। ये लोग झारखंड का विकास नहीं कर सकते। हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड के पास धरती माता के पेट में इतना खनिज है कि ये सबसे समृद्ध राज्य है। मगर झारखंड ही गरीब, यहां का युवा नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, बेंगलोर, गुजरात, राजस्थान कहां कहां जाता है। युवाओं, मैं आपको वादा करता हूं, 5 साल में इतने कल कारखाने लगाएंगे कि झारखंड के युवाओं को अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ झारखंड में ही नौकरी मिल जाएगी, बाहर नहीं जाना। मगर आप लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी भाई? आपकी नौकरियां तो वो घुसपैठिए खा गए, घुसपैठिए खा गए। एक घुसपैठ झारखंड के अंदर जो हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, उनसे आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? मैं आज कहकर जाता हूं, यहां से विधायक है कल्पना जी, आपके पति के नाक के तले आदिवासियों की, OBC की आबादी कम हो रही है क्योंकि घुसपैठिए आ रहे हैं, मगर आपको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है। झारखंड की महिलाओं की, उनके साथ दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं और उसकी संपत्ति हड़प लेते हैं।
झारखंड वालों चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं आपको, ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, जो आ गए हैं उनको चुन चुन कर निकालेंगे और आने वाले दिनों में इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर न पार पाए ऐसे झारखंड की करेंगे। और एक घुसपैठिए समझते कि भूमि हमने जो हड़प ली है ये आपकी नहीं है, झारखंड के आदिवासी ओबीसी की भूमि है। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे कि ना आगे भूमि मिलेगी, ना दूसरी तीसरी पत्नी मिलेगी, और लिया हुआ भूमि भी सरेंडर करना पड़ेगा। जो भूमि ले गए हैं, वो भी झारखंड की बिटिया को वापिस देनी पड़ेगी, ऐसा कानून लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं? ऐसे नहीं यार, राहुल बापा को जरा ऊंचा सुनाई पड़ता है, ऊंचा कम सुनते हैं। मुझे जोर से बताओ, कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये राहुल बाबा कहते हैं धारा 370 हम वापिस लाएंगे, लाना चाहिए। अरे इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी सरकार है, राहुल बाबा क्या, अरे सुनो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, राहुल बाबा क्या, उसकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी नहीं होगा। इनके राज में 10 साल तक आतंकवादी देश में आकर बम धमाके करते थे और ये कुछ नहीं बोलते। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मोदी जी ने दस ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कराया है। नरेंद्र मोदी जी ने, अरे यार तुम बैठ जाओ, मेरी आवाज बड़ी है, दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, बैठ जाओ बोतल वाले भाई, बैठ जाओ। अरे आप बैठ जाइए भाई, आप बैठ जाइए।